मैं सैयद मिसबाह एसएमएस न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। संगाई डिस्ट्रिक्ट जहीराबाद में बुशनली गांव में गर्ल्स माइनॉरिटी स्कूल और कॉलेज का इफ्तिदा अमल में आया। इस मौके पर शामिल हुए फाइनेंस मिनिस्टर टी हरीश राव, जहीराबाद एमपी बीबी पाटिल, जहीराबाद एमएलए मानिक राव, एक्स एमएलसी मोहम्मद फरीदुद्दीन, माइनॉरिटी प्रेसिडेंट एके खान और टीआरएस पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। వెరీ గుడ్, కంగ్రాట్స్. గౌరవనీయులు శాసనసభ్యులు పెద్దలు మాణిక్యరావు గారు, మన ఎంపీ గారు గౌరవనీయులు బిబి పాటిల్ గారు, మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారు గౌరవనీయులు ఏకే ఖాన్ గారు, మాజీ మంత్రివర్యులు పెద్దలు గౌరవనీయులు ఫరీదుద్దీన్ గారు, మన జిల్లా కలెక్టర్ హనుమంతరావు గారు, రాజహర్ష అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు, డిసిఎంఎస్ చైర్మన్ శివకుమార్ గారు, మా ఉమాకాంత్ పాటిల్ సిడీసీ చైర్మన్ గారు, విజయ్ కుమార్ గారు, వేదిక మీద ఉన్న గౌరవ ఎంపీపీలు, జెడ్పీటీసీలు, సర్పంచ్ గారు, ఎంపీటీసీ గారు, నామ రవికుమార్ గారు, మా ప్రిన్సిపల్ గారు, ఉపాధ్యాయులు, ముఖ్యంగా మా పుర ప్రముఖులు, అదేవిధంగా మా బూచినెల్లి నుంచి వచ్చినటువంటి బూచినెల్లి గ్రామ ప్రజలకు, తల్లిదండ్రులకు, ప్రియమైన విద్యార్థినిలకు, మీడియా మిత్రులకు అందరికీ నమస్కారం. ఆజ్ బహుత్ ఖుషీ కి బాత్ హై, తెలంగాణ మే పహలా మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ కా బిల్డింగ్, పూరీ తెలంగాణ మే పహలీ పహలీ బిల్డింగ్ అప్నే జహీరాబాద్ మే ఇనాగరేషన్ కర్నే కే లియే ముజే బహుత్ ఖుషీ హై. ఖాన్ సాహబ్ బతా రహే థే కి జబ్ సీఎం కేసీఆర్ సాహబ్ నే ये स्कूल इतनी बड़ी संख्या में खुलने के वक्त इतना खुशी हुआ, आज पहली बिल्डिंग इनॉग्रेशन में भी उतना ही खुशी है. ये यहां से शुरू हुआ, जहीराबाद से आगे अपने पास 204 स्कूल चल रहा है, पूरे 204 स्कूलों को भी ऐसे ही बिल्डिंग बनाते जाएगा. लोग बोलते जहीराबाद में काम कम हो रहे, अब बोलिए पहली स्कूल कहां बना पूरी तेलंगाना में? 119 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहली माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल कहां बना बोले तो जहीराबाद में बना. क्या मामूली बात है, 20 करोड़ रुपया से बना है ये स्कूल और दूसरा स्कूल भी तैयार हो रहा है. बच्चियों का आज इनॉग्रेशन करे, बाजू में बच्चों का भी और 20 करोड़ से काम चल रहा है, आगे 2-3 महीने के अंदर वो भी कंप्लीट करके इनॉग्रेशन करेंगे. सिर्फ दो बिल्डिंग के लिए जहीराबाद में आज 40 करोड़ रुपये से अपने बच्चे पढ़ने के लिए इतने अच्छे स्कूल बनाने में बहुत खुशी की बात है. सीएम साहब का सोच एक ही है, एक स्कीम दे सकते, थोड़ा पैसे दे सकते, लोन दिला सकते, उसमें आपके फैमिली में रोशनी नहीं आ रहा. अभी बच्ची बात करी फिरदौस, कितना प्यारा बात करी, कितना कॉन्फिडेंस से बात करी. जब हम लोग इतने लोग बात करें, आप सुने कि नहीं सुने कि, लेकिन बच्चे बात को, बच्ची फिरदौस बात करे तो मैं तो पूरा ध्यान लग के सुना मैं उनका बात. उनका हर ग्लव एमटे मको पता नहीं, ग्लव्स 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 एंटी ग्लव्स ग्लव्स हर नाव जन के अवसर पर आए सो ऑनरेबल मिनिस्टर हरीश राव साहब, उसी के साथ साथ एके खान साहब,
हमारे एमएलए माणिकराव साहब, एमएलसी फरीदुद्दीन साहब, शफीउल्ला साहब, डीसीएमएस चेयरमैन शिव कुमार साहब, सीडीसी चेयरमैन उमाकांत पाटिल साहब, विजय कुमार साहब, हमारे कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, यहाँ के प्रिंसिपल, सभी भाई बहनों को आदाब नमस्कार। अभी अभी बताया जैसा तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद 204 रीजनल स्कूल्स और 120 जूनियर कॉलेज आए हुए, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से सीएम साहब को, तेलंगाना स्टेट को, हरीश राव साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। हमारे संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में 12 स्कूल्स और 9 कॉलेजेस आए हुए, उस हिसाब से अपने ये बिल्डिंग के लिए 18 करोड़ की लागत से बनाया गया हुए। इसलिए एके खान साहब को भी इसके जो काम में जो आपको मेहनत करना पड़ा, आप इतने जल्दी स्कूल बना के पूरा करने में जो आपकी स्किल लगा, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।